एम इनटा का जो गुड बॉय सॉन्ग है उसका जो म्यूजिक प्रोड्यूस करा है वो यो, यो हनी सिंह पाजी ने करा है तो आप लोग उससे अंदाजा लगा ही सकते हो कुछ कनेक्शन तो बैठ रहे हैं खैर वहीं पे बादशाह की बात करते हैं तो बादशाह का हाल फिलहाल में रियल हिट के साथ एक इंटरव्यू आउट हुआ था जो पे पॉडकास्ट करते हैं बेसिकली वो उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ पूछी थी कि आप किस तरीके से देखते हो जब आपके जो लिरिक्स होते हैं उसे ट्रोल कराया जाता तो उन्होंने क्या चीज़ बोली आप जरा वो देखो सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी थी उस पर बंदा बेसिकली आपको ट्रोल करा था फॉर लिरिक्स की बादशाह भाई वो था कॉमेडियन था एक स्टैंड कॉमेडियन तो बेसिकली लिरिक्स की बात हो रही थी तो कह रहे थे कि उसने गाया कि कैसे होते लिरिक्स तो वो कंटिन्यूसली है सब गजब सब गजब सब गजब अगर आपने देखी हो वो यार कई बार ना आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है हाँ ठीक है और मैं बोल भी रहा था कि मुझे नहीं करना नहीं करना नहीं करना बट कुछ रिश्ते होते हैं कुछ ऐसे होते हैं बट इसमें कैसे लेते गलत है भाई सजा मिलनी चाहिए <laughs> रश्मिका का आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा होगा ये काफी ज्यादा पॉपुलर एक एक्ट्रेस है इनके डीप फेक करके वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट करा की मेरे को देखिए खुद काफी अजीब लगा और यह चीज काफी ज्यादा डैमेज कर सकती है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए साथ ही टेक्नोलॉजी के साथ नई नई दिक्कतें भी आ सकती है तो वो सारी चीजें निकल तो हाँ सारी के आती है रूल्स एंड रेगुलेशन तो भाई इसके ऊपर चाहिए आप लोगों ने भी कई सारी देखी होगी जो डीप फेक होकर आती है वहीं पर एलविश यादव ने इस चीज के ऊपर भी रिएक्ट करा जो कि कई सारे न्यूज वाले इनकी वीडियोस बनाते हैं ना कि भाई ये तो इस तरीके से हो गया ये पार्टियों में पकड़े गए ये चीजें होती हुई नजर आई उसके ऊपर

एलविज तो पार्टी में था एलविज कहा पार्टी में था भाई तू तो होगा पार्टी में अपनी चेक करा भाई मेरी मत बोला अपनी चेक कर और ये व्लॉग इन्होंने कुछ समय बाद हटा दिया था प्राइवेट कर दिया था वहीं पर इन्होंने जब सिस्टम क्लोथिंग का लॉन्च करा उस टाइम इनकी वेबसाइट डाउन पड़ गई थी उसके ऊपर भी इन्होंने कुछ कहा था अब जरा वो देखो भाई तुम लोगों ने सिस्टम हैंग कर दिया एक मिनट नहीं लगाई तुमने साइट डाउन कर दी यार अगर जिसकी नहीं खुल रही भाई पाँच दस मिनट बाद ट्राई कर लेना खुल जाएगी भाई भाई साइट ना चल रही यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चला गया मैंने सबसे बड़ा सर्वर ले रखा था भाई साइट क्रैश कर दी तुम लोगों ने भाई धीरे धीरे लोग जाओ ना प्लीज़ धीरे धीरे हैं कम कम लोग जाओ यार खुल जाएगी भाई अभी खुल जाएगी थोड़ी देर में सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी थोड़ी सी हेट देखने को मिल रही थी जब एल बी शारफ बिग बॉस जीते तो ये वहाँ पे गए थे अटेंड करने और ग्रीट भी करा था इन्होंने लेकिन इसी के चलते अब लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप ऐसे कैसे बैठ पा रहे थे अगर ये गिल्टी है तो ये है वो है तो कई सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने खाली ये चीज़ बोली है कि अगर ये गिल्टी हुआ तो इन्हें पनिशमेंट मिलेगी और उसके अलावा कुछ भी दिक्कत नहीं है तो उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर कर दी है